ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज जो है वो श्रीमद् भगवत गीता के पांचवे अध्याय का और छठा श्लोक है। श्लोक कैसा है कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखो माप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेवाधिगच्छति। संन्यासः तु महाबाहो दुखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिः ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। इसका संधि विच्छेद करके बताया। अब इसका अर्थ देखें आप। संन्यास यानी संन्यास जो हम बताते ही चले आ रहे हैं, संन्यास के बारे में थोड़ा कह दें। मन इंद्रिय शरीर और इससे होने वाले संपूर्ण जो कर्मों में कर्तापने का त्याग, ये इनका कहना है अर्थ करने वालों का। शाब्दिक अर्थ है ये। तो यानी परंतु, महाबाहो यानी हे अर्जुन, दुखम यानी कठिनता से, आप तुम यानी प्राप्त हो, अयोगता यानी कर्म योग के बिना, योग योगता यानी कर्म योगी, मुनि यानी भगवत भगवान स्वरूप भगवत स्वरूप को मनन करने वाला, ब्रह्म यानी परब्रह्म परमात्मा को ना चिरेण यानी शीघ्र ही अधिगच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ जो पंडितों ने गीता में किया है वो ये किया है कि परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला जो कर्मयोगी है वो परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। अब ये जो अर्थ है इनका, ये कुछ कुछ तो उसके करीब जाता है, क्योंकि ये ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन कुछ कुछ करीब जाता है। तो सदगुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार अधिष्ठान धारण करता अर्जुन को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और उस मार्ग के जो दो साधन हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, दोनों साधनों की बारीकियां समझाने के साथ साथ में अब दोनों साधनों के समन्वय के बारे में बता रहे हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया कि संन्यास के बारे में अलग अलग समझाया, फिर उन्होंने समझाया कर्मयोग के बारे में, फिर इन्होंने इनके फलों की समानता के बारे में समझाया। अब वो बता रहे हैं भगवान कि संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को, पहले उन्होंने ये भी बताया कि संन्यास की अपेक्षा आप कर्मयोग करना ज्यादा सरल है, इसलिए अर्जुन को बताया कि तू कर्मयोग कर। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान ये बताना चाहते हैं अर्जुन को कि ये जो संन्यास और कर्मयोग है वो एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, और एक दूसरे के बिना एक दूसरे की सिद्धि भी नहीं होती। अगर केवल और केवल संन्यास ही योग पकड़ा जाए तो वो होना संभव नहीं है बिना कर्म योग के। ये इसके इस श्लोक का मूल आधार है। ये बता रहे भगवान कि बिना कर्म योग के संन्यास योग का सिद्ध होना संभव नहीं है। दुखम आपनोति, बहुत दुख पूर्वक भी यह संभव नहीं होता है ना। इसलिए
भगवान दोनों साधनाओं के संबंध में की जो बात कह रहे हैं और बिल्कुल सही भी है। जो जिज्ञासु होता है, जो सदगुरु के पास आता है, तो सदगुरु जब उन्हें जिज्ञासु को समझाते हैं इस बारे में, तो उसको कहते हैं भाई कुछ समय तुम दृष्टा साक्षी में बैठकर अभ्यास करो। दृष्टा साक्षी में जैसे हम समझाते हैं कि भाई सुबह सुबह 70 मिनट बैठो, नए साधक से कहते हैं कि भैया तुम थोड़ा श्वास को देखो, और साधक हो जाता है, फिर उसको साक्षी में उतारते हैं। तो सदगुरु जब आपको बिठाते हैं तो आप जरा विचार करें भाई, देखें जरा कि बैठना कर्म नहीं है क्या? एक जगह पर चुपचाप बैठना ये भी तो कर्म है, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों के सुख आदि के लिए तो बैठ नहीं रहे हो, आप तो बैठ रहे हो भगवान के ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए, आप तो बैठ रहे हो आत्मा साक्षात्कार के लिए, आप तो निष्काम कर्म योग ही तो कर रहे हो ना बैठकर। तो लो कर्म संन्यास में भी निष्काम कर्म योग आ गया। अब आप बैठ रहे हैं तो आप सांस भी ले रहे हैं, आप बैठ रहे हैं तो आपकी आंख की पलक भी हिला रहे हैं, आप बैठ रहे हैं तो कभी कोई मक्खी मच्छर बैठ गया उसको भी भगा रहे हैं। तो आप सब क्रियाएं तो कर रहे हैं, बिना क्रिया के बैठे कहां हो आप? आपका रक्त परिसंचरण चल रहा है, आपकी सांस चल रही है, आपके पेट में भोजन का पाचन चल रहा है, आप बैठे हैं, कभी कोई आपका शरीर हिलाने की जरूरत पड़ी तो हिला रहे हैं आप, तो आप कर्मयोग भी कर रहे हैं। आप केवल संन्यास अकेला नहीं कर सकते, शरीर है तो आपको कर्मयोग तो करना ही पड़ेगा। अब आपका जब आप बैठ गए और आपका अंदर का अन्वेषण शुरू हो गया, आपके अंदर की खोज शुरू हो गई, तो आप धीरे धीरे पहले श्वास के साक्षी हो गए, इसके बाद फिर मन के साक्षी हो गए, फिर आप बुद्धि के साक्षी हो गए, फिर आप चित्त के साक्षी हो गए, फिर आप अंत में अहंकार के साक्षी हो गए। तो अब ये साक्षी हुए, आपने ये साक्षी किया, तो कालांतर में साक्षी होने पर आपका ध्यान लगा, और जब ध्यान लगा तो आप में समता आई, और समता आई तो फिर आप में स्थिरता आई। और अब सदगुरु क्या करते हैं, आपको जब आप में स्थिरता आ जाती तो सदगुरु कहते हैं चलो खड़े हो जाओ, साक्षी में खड़े होना और बैठना सीखो। फिर कहते हैं अच्छा चलो 4 कदम साक्षी में चलना सीखो, कि कैसे साक्षी ना टूटे और अपन चले। फिर कहते हैं चलो अब दर्पण के सामने खड़े हो जाओ और साक्षी में बोलना सीखो। तो ऐसे करके चलने में, बोलने में, नहाने में, नाचने में, कूदने में, संसार की क्रियाओं को करने में, समाज के साथ सेवा का कार्य करने में, पत्नी पति के बीच में बैठने में, भोजन इत्यादि बनाने में, ऑफिस में काम करने में, सब जगह आपको भगवान क्या करते हैं, सदगुरु साक्षी में रहना सिखाते हैं, वहां साक्षी आपका नहीं टूटे। ऐसा आपको लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, तब आप सारे कार्यों में साक्षी में रहना सीख जाते हैं। तो भाई दिन में आपने तो कर्म योग किया, ये ऐसा करना कर्म योग कहलाता है कि आप कर्म भी करें और साक्षी में भी रहे। लेकिन जब रात में आप सो जाते हैं तो फिर आपका संन्यास योग शुरू हो जाता है। भाई कर्म योग पूरा हुआ और रात में भी बिस्तर में पड़ गए और यह संन्यास योग शुरू हो गया, तो फिर आपको रात्रि में सोते समय भी यही साक्षी में सोना, इसका अभ्यास धीरे धीरे डालना होगा। तो रात में जब सोए तो पुनः आपका कर्म योग से संन्यास योग में आप चले जाते हैं, और जब आपने कर्ता और भोक्ता को अपने से अलग जान लिया, पहचान लिया कि ये जो है कर्ता और भोक्ता आप हो नहीं, तो फिर जो संसार में है जो झूठा ध्यान सिखा रहे हैं, ध्यान के नाम पर बकवास कर रहे हैं और कर्तापने की त्याग की बात करते हैं, कर्तापना कोई पत्थर है कि तुम फेंक दोगे उठाकर उसको? अरे कर्तापना भोक्तापना उसको कैसे त्याग दोगे? जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आती है,
साक्षी नहीं आता है, आप कर्तापना भोक्तापना त्याग ही नहीं सकते हो, कितना भी कर लो नहीं त्याग सकते हो। तो कर्तापना भोक्तापना को त्यागने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो मालूम तो है ही नहीं। जिसने कह दिया कि त्याग दो, समझो कि नंबर एक का मूर्ख होगा। जागा जाता है, जाना जाता है, हटा जाता है, त्यागने की तो आगे नहीं है। कोई जोर की आंधी चल रही हो, आंधी को कैसे त्याग दोगे तुम? आंधी को त्यागने की तुम्हारी तो ताकत है नहीं। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो कि पत्थर के अच्छे पक्के मकान में जाके चुपचाप से बैठ सकते हो, तो आंधी से बच जाओगे। तो ये त्यागने और ग्रहण करने की जो पंडितों की भाषा है, ये हमारे समाज के ऊपर और हमारे जिज्ञासुओं के ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वो ज्ञानियों की बात को नहीं समझ पाते। इसलिए जो कर्तापने का त्याग की बात कर रहे हैं और जो मन इंद्रियों और शरीर द्वारा कर्तापने के त्याग का ढोल बजा रहे हैं, वो धर्म के नाम पर मजमा लगा रहे हैं, जैसे मदारी डमरू बजा के लोगों को इकट्ठा करता है और फिर ईच का खेल दिखाता है ना, बाद में फिर वो क्या करता है, तावीज बेचता है या बेवकूफ बनाता है, लोगों से पैसे लेता है। ऐसे ये लोग धर्म के मर्म को ना जानकर और सच्चे ध्यान को ना जानकर त्याग और भोग की बात करते हैं। यह संसार में ना तो कुछ त्यागा जा सकता है और ना ही कुछ भोगा जा सकता है और ना कोई अभोगा जा सकता है। कारण यह है कि तुम सांस देना नहीं त्याग सकते हो, तुम कर्म नहीं त्याग सकते हो। जिंदा हो तो कर्म करना पड़ेंगे, लेकिन कर्मों में तुम जाग सकते हो। ये जाग जाना ही मन से हटना होता है। जो जागने की कोशिश करता है, जो मन से हटने लगता है, उसको मुनि कहते हैं। मन न, मुनि क्या करता है, मन न, यानी मन वहां पर नहीं है, मन न, मन नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मन नहीं है, मन से जो हट गया है, तब क्या होगा? जब आप मन के नाम पर हट गए, मन से हट गए और आप कर्ता भोक्ता पने से हट गए, तो जो मनमाना धर्म और ध्यान के बारे में प्रवचन दे रहे हैं, मनमानी बातें कर रहे हैं, उनकी पोल खुल जाती है आपके सामने, वो झूठे सिद्ध हो जाते हैं आपके सामने। मेरे शिष्य कहते हैं, गुरुजी हम आपका प्रवचन सुन लेते हैं, हमको दूसरे का प्रवचन फिर अच्छा ही नहीं लगता। वो अच्छा क्यों लगेगा? आपको सत्य मालूम पड़ गया ना कि ये सत्य है। अब सत्य की बात सुन ली आपने, अब वो झूठी बात ठोकेगा? आपने हाथी देख लिया कि हाथी ऐसा होता है, अब आपके सामने कोई चूहा लाके रख दे बोले ये हाथी है, तो आप कैसे मान लोगे कि हाथी है? अब सूरज को आपने देख लिया, आप सूरज आंख खोल के सूरज को देख लिया कि सूरज ऐसा है, अब कोई सूरज का कैलेंडर लाके सामने रख दे कि सूरज है, ये सूरज है, तो आप मान लोगे कि नहीं मानोगे? इसलिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, अगर थोड़ा भी आपने साक्षी का अभ्यास कर लिया और कर्ता भोक्ता परे से हट गए थोड़े से भी, और थोड़ी सी क्षमता और तटस्थता आ गई, तो ये जो मनमाना खा रहे हैं, मनमाना बक रहे हैं, इन लोगों की पोल खुल जाती है। अब आप इनके इनके बेवकूफ बनाने में या बरगलाने में नहीं आते, तो फिर कोई भी धर्माचारी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। आप दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म के सत्य मार्ग का अनुसरण करने लग जाते हैं, आपको उसका बोध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि संन्यास प्राप्त करने के लिए भी कर्मयोग करना पड़ेगा। यहां भगवत स्वरूप को ब्रह्म कहा है भगवान ने, क्या कहा है? ब्रह्म, भगवत स्वरूप को। और मुनि किसको कहा है? जो मैंने बताया, मुनि को परिभाषित किया है कि मुनि उन मुनि का घोतक, उन मुनि का द्योतक, जो मन से हटकर मन न, जहां मन न हो, अमन अवस्था में जो खड़ा हो जाता है, अर्थात जो मन का साक्षी होकर, मन का दृष्टा होकर मन से हट जाता है, वह मुनि हो जाता है।
और बाकी सब माया की मुन्नी है। वही केवल मुनि है जो मन से हटा है और बाकी सब माया की मुन्नी है। मुन्नी मुन्नी यानी छोटी छोटी बच्चियां माया की। और मुनि होना भी ये कर्मयोग है। कोई मुनि होता है तो उसको तो साक्षी के अभ्यास के द्वारा मन से तो हटना पड़ेगा ना। तो मुनि होना भी कर्मयोग है और मन से हटकर जीना इसमें बहुत बड़ी सजगता की जरूरत है, त्वरा की जरूरत है, इसमें तीव्रता की जरूरत है। और मन से हटके जीने वाला जो कर्मयोगी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अपने ही स्वरूप यानी अपनी आत्मा का साक्षात्कार बहुत जल्दी कर लेता है, बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। और आत्मज्ञान ही परब्रह्म परमात्मा का प्राप्त होना है। जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया समझो उसको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, बिना कर्म योग के ज्ञान सन्यास यह प्राप्त होना बड़ा कठिन है। सन्यास का सफल होना तभी संभव है तब आप कर्म योग करते हो। और जो कर्मयोगी होता है और जो सन्यास को कर्मयोग के माध्यम से सन्यास में सफलता प्राप्त कर लेता है वह मन से हटने के कारण मुनि हो जाता है। और जो मन से हट जाता है उसको आत्म साक्षात्कार करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव।